नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्वाइस पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। मारुति सुजुकी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2022 मारुति बलेनो को उतार दिया है। कंपनी ने इस प्रीमियम हैचबैक को एक नए बेहतरीन लुक के साथ बाजार में उतारा है। इस कार को 6,35,000 रुपए एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। वहीं इसके टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत 9,49,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। कंपनी ने इस हैचबैक को कुल 4 ट्रिम्स में पेश किया है। इन ट्रिम्स में सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा शामिल है। हालांकि बलेनो की कीमत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी ने इसे कुल 4 ट्रिम्स में पेश किया है, तो हमारे अनुसार अगर आप नई मारुति बलेनो का सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट छोड़कर जेटा ट्रिम खरीदते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित हो सकता है। कंपनी ने नई 2022 मारुति बलेनो के जेटा वेरिएंट को 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें मैनुअल और एजीएस गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8,09,000 रुपए एक्स शोरूम है। वहीं इसके एजीएस ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 8,59,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। इसके जेटा वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटो हेडलैम्प, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 16 इंच के अलॉय व्हील, क्रोम डोर हैंडल, रियर एसी वेंट, रियर फास्ट चार्जिंग यूएसबी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, वॉशर के साथ रियर वाइपर, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वॉइस असिस्टेंट, सुजुकी कनेक्ट सिस्टम, ओटीए अपडेट, 2 ट्विटर, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, 7 इंच का स्मार्ट पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पार्शियल ट्रे और AMT वेरिएंट के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट के साथ ESP भी मिलता है। अन्य फीचर्स में कलर MID, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट फुटवेल लैंप, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि जेटा वेरिएंट में आपकी दैनिक जरूरतों के लिए अधिकांश आवश्यक फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। इसमें मिलने वाले अधिकांश फीचर्स जो आप अल्फा वेरिएंट में मिस करेंगे वो है 360 डिग्री कैमरा और हेड अप डिस्प्ले, जो कि अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। हालांकि अगर आपका बजट अनुमति देता है तो आप अल्फा वेरिएंट की ओर रुख कर सकते हैं। इसके हर वेरिएंट में एक समान 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे K12N नाम से जाना जाता है। यह इंजन 79 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगले वीडियो में आप किस व्हीकल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल ड्राइव स्पार्क हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।